बिस्मिल रहीम इन फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट हम एडवास रिस्क मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं आज हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे डिबेट भी जिसमें हम करेंगे दैट इज़ एफिशिएंट कैपिटल मार्केट और ये ड्राइव होकर हमारी कुछ हाइपोथेसिस और कुछ थेरीज से बेस करके हम इसमें डिस्कशन करेंगे एफिशिएंट मार्केट थेरी है और इसको एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस भी हम अक्सर जगह पर यूज़ करेंगे इट्स अ बेसिक स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल मार्किट्स के मार्किट्स की क्वालिटी कैसी है ना इट्स नॉट अबाउट वन पर्टिकुलर सिक्योरिटी इट्स अबाउट ओवरऑल क्वालिटी ऑन फंक्शनिंग ऑफ मार्किट तो ये कुछ थ्रेटिकल बातें भी इसमें हैं कुछ हाइपोथिस इसलिए कहा जाता है कि ये कोई प्रूवन फैक्ट नहीं है बट दीज आर थे बेस्ड एंड हाइपोथिस बेस्ड स्ट्रक्चर इनका इसका बेसिक एम्ब uh, क्या है जो भी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड हो रहे हैं उनकी जितनी इंफॉर्मेशन है विद रिस्पेक्ट टू दो इंस्ट्रूमेंट्स वो उसमें रिफ्लेक्ट कर रही है इसको हम थोड़ी सी अभी एलेबोरेट भी करेंगे यू हैव अ बेटर क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट वैसे तो ये ई सारी फाइनेंशियल मार्केट्स पे अप्लाई हो रही है जैसे बॉन्ड्स भी हैं जिसमें टी बिल्स भी हैं बट फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग और इसका जो मेन इंपैक्ट है वो उसके लिए हम लोग विल कीप आर डिस्कशन टू वर्ड्स स्टॉक मार्केट यानी कि कैपिटल मार्केट में इसकी इम्प्लीकेशन क्या है और शेयर्स पे या सिक्योरिटीज पे इसकी इम्प्लीकेशन क्या है ये हम इसमें ज्यादा डेप्ट करेंगे बट इट्स financial मार्केट अब फाइनेंशियल सिक्योरिटी जिसको हम बात हैं कि इसको अब शेयर भी है जिसमें बॉन्ड भी है वट इज दैट फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्लेम ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज मैं अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में लेता हूँ तो दैट मीन उसके जितने फ्यूचर कैश फ्लोज होंगे मुझे वो मिलेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई बाय अ बॉन्ड तो मुझे उसके फ्यूचर इंटरेस्ट पेमेंट्स और उसके फ्यूचर की जो कैप वैल्यू होगी मेच्योटी पे वो मुझे मिलेगी इसी तरह अगर मैं कोई शेयर खरीदता हूँ तो उसके जितने डिविडेंड्स होंगे वो मुझे मिलेंगे और अल्टीमेटली जिस प्राइस पे वो बिकेगा वो भी मुझे मिलेंगे तो so मुझे इनिशियली मैंने परचेज कर लिया एंड आई विल गेट द डिविडेंड्स एंड फ्यूचर वैल्यू फ्रॉम दैट शेयर सो दिस इज़ रेफर टू एज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ़ इट्स फ्यूचर कैश फ्लो दैट शुड बी इट्स वैल्यू तो हमें फ्यूचर में जो चीज़ें मिलनी हैं और उसको अगर डिस्काउंट कर दिया जाए तो वही उसकी अभी वैल्यू होनी चाहिए दिस इज़ रेफर टू एज फेयर वैल्यू दिस इज़ रेफर टू एज इंट्रेंसिक वैल्यू ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको याद भी रखना है आपने हम इसकी फर्दर जब स्टडीज uh, में भी इसको यूज़ करेंगे इंटरेंसिक वैल्यू एंड फेयर वैल्यू आर द सेम दैट मीन के व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट प्रैक्टिकली द प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज़ रिप्रेजेंटेड बाई एग्जिस्टेंस ऑफ अंडर वैल्यूड एंड ओवर वैल्यूड स्टॉक्स मोटिवेट इन्वेस्टर्स ट्रेड अब यहाँ पर एक इन्वेस्टर का एक विल आती है कि इन्वेस्टर क्या आता है कि मैं मार्किट से ज़्यादा रिटर्न कमाऊँ और एक एनालिस्ट की भी डिज़ायर यही होती है कि मैं मार्किट को बीट करूँ जो हम थेरी पढ़ रहे हैं एफिशिएंट मार्केट या एफिशिएंट मार्केट थेरी वो उसको निगेट करती है कि जो अगर प्राइसेस ठीक रिफ्लेक्ट होंगी तो ये शायद ऑप्शन ना हो तो अब हमें इसकी डिबेट में देखना है कि हाउ थिंग्स गो हाउ थिंग्स वर्क आउट तो वर्ड अंडर वैल्यू मीन कि जो स्टॉक अपनी फेयर वैल्यू से नीचे है दैट इज़ रेफर टू एज अंडर वैल्यू फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक शेयर की वैल्यू कैलकुलेट किया कि होनी चाहिए नाइन्टी और अगर मार्केट में वो एट्टी का ट्रेड हो रहा है तो वील से दैट स्टॉक इज अंडर वैल्यू सिमिलरली ओवर वैल्यू इज द रिवर्स ऑफ इट के नाइन्टी के शेयर की वैल्यू होनी चाहिए और वो कोई नाइन्टी एट पर ट्रेड कर रहा है तो दैट इज रेफर टू एज ओवर वैल्यू तो इन्वेस्टर्स इस तरह की अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं कि अंडर और ओवर वैल्यू लें सो दैट दे कैन मेक मोर रिटर्न अब बात हो रही है कि रेगुलर रिटर्न तो मिलना ही है यहाँ पे अब नॉर्मल रिटर्न मोर रिटर्न इज द विल ऑफ़ द इन्वेस्टर दे आर ट्रेडिंग मूव द प्राइस ऑफ स्टॉक्स टू वर्थ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर तो फिर वो जब इन्वेस्टर उसमें अंडर वैल्यू को खरीदेंगे या ओवर वैल्यू को सेल करेंगे तो प्राइसिज अपनी सही वैल्यू की तरफ चली जाएंगी तो so, उनको गेन हो गया और प्राइसिज अपनी राइट right प्राइस लेवल पर आ जाएंगे दस इन्वेस्टमेंट एनलिस्ट सर्च फॉर मिस प्राइज स्टॉक्स एंड देर सब्सिक्वेंट ट्रेडिंग मेक द मार्केट्स एफिशेंट एंड कॉज प्राइज टू रिफ्लेक्ट देयर इंट्रेंसिक वैल्यू तो ये इन्वेस्टर ऐसे शेयर ढूंढते हैं जो कि ठीक प्राइस नहीं है ये उनको उसमें पोजिशन ले कर ट्रेडिंग करते हैं फिर वो प्राइस अपने राइट लेवल पे आ जाती है तो so, ये उनका एम होता है कि हम मार्केट से एबनो फॉर एग्जाम्पल अगर एक नब्बे का शेयर फेयर वैल्यू नब्बे का ही है और आप वो खरीदेंगे इन द टाइम आपको लेट से मार्केट का रिटर्न आपके मुताबिक टेन परसेंट मिलना है तो आप टेन ही मिलेंगे लेकिन वही शेयर आप एग्जांपल कर लें अगर आपने एट्टी का ले लिया होगा तो रादर देन दैट टेन परसेंट यू विल अर्निंग मच मोर देन दैट तो वो आपको एबनॉर्मल रिटर्न आ जाएंगे इन्वेस्टर कैन नॉट अर्न एबनॉर्मली हाई रिस्क एडजस्टेड रिटर्न इन एन एफिशेंट मार्केट अब ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मार्केट एफिशेंट हैं तो फिर इन्वेस्टर्स रेगुलरली वन ऑफ तो शायद कर सकें लेकिन रेगुलरली एबनॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न नहीं कर सकते हम मार्केट्स की लेवल्स की बात भी करेंगे इसकी फर्दर भी बात करेंगे बट ये रूल एक बन जाएगा माइंड में हमारे कि इफ़ मार्केट्स आर एफ़िशिएंट यू कैन नॉट मेक वेरी मच एबनॉर्मल रिटर्न आउट ऑफ इट एग्यूम फैम नोट्स मार्केट एफिशिएंसी इज कॉन्टिन्यूम और ये कोई एक वन ऑफ टाइम नहीं है कि साल में एक दिन मार्केट ने एफिशिएंट होना है मार्केट हैज टू बी इन द रेगुलर फॉर्म तो और इसके कुछ फैक्टर्स होंगे जो कि लीड करेंगे इसकी एफिशिएंसी को द लोअर द ट्रांजेक्शन कॉस्ट इन मार्केट द मोर द एफिशेंट ट्रांजेक्शन कॉस्ट यानी कि एक शेयर को खरीदने में और बेचने में जो कॉस्ट इन्वॉल्व हैं वो अगर बहुत ज़्यादा होंगी तो मार्केट्स में इन एफिशेंसीज एग्जिस्ट करेंगे अगर वो कम होंगी तो मार्केट विल बी मोर एफिशेंट इन यू एस रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट फर्म इज रेलिटिवली चीप टू अपटेन एंड ट्रेडिंग इज चीप एक इंफॉर्मेशन मिलना भी इंपॉर्टेंट है और उसकी ट्रेडिंग कॉस्ट तो यू एस में दोनों चीज़ें आर ऑन लोअर साइड इंफॉर्मेशन ईजिली मिल भी जाती है और उसकी इतनी कॉस्ट भी नहीं होती सो दैट्स वाई यू एस मार्केट इज नॉर्मली रेफर टू बी अ मोर टू वर्ड एफिशियंट परफेक्टली एफिशियंट शायद हम उसको भी नहीं कहेंगे बट इट इज वन ऑफ द क्लोजेस्ट टू रेलिटिवली एफिशियंट मार्केट्स इन द वर्ल्ड बाकी जगह जो हमको पाकिस्तानी मार्केट से कंपेयर करें या इंडियन मार्केट से कंपेयर करें तो देन थिंग्स आर मच बेटर इन द यूएस लेवल द इंफॉर्मेशन स्टॉक प्राइस मैटर इन टू वेज फर्स्ट इन्वेस्टर केयर अबाउट वेदर वेरियस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज कैन अर्न एक्सेस रिटर्न तो हमारा जो एक विल थी बीट द मार्केट वो हम देखना चाहेंगे कि वो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि नहीं कि हम मार्केट से ज़्यादा रिटर्न कमा पाएंगे कि नहीं और ये बात याद रखें ये ज़रूरी नहीं है कि हमें अंडर वैल्यू ही स्टॉक ढूंढना है हम ओवर वैल्यू स्टॉक भी ढूंढ सकते हैं जैसे एक जैसे हमने बात की थी एक स्टॉक की फेयर वैल्यू नाइन्टी है और वो नाइन्टी एट पर है तो हम क्या करें उसको सेल कर दें एंड देन वी बाई इट एट अ राइट लेवल सेकेंड इफ द स्टॉक प्राइस एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट ऑल इन्फॉर्मेशन न्यू इन्वेस्टमेंट कैपिटल ग्रोज इन टू हाइस्ट वैल्यूज यूज़ और मार्केट्स अगर एफिशेंट होंगी तो कैपिटल जो कंपनीज रेज करना चाह रही हैं उनको भी राइट अमाउंट ऑफ कैपिटल मिल जाएगा ये भी नहीं होगा कि वो बहुत ज़्यादा फैच कर लेंगी लेकिन ये भी नहीं होगा कि वो जो उनको ट्रू वैल्यू से बहुत कम फैच करेंगे तो ये हमारा ज़रा एक इंपॉर्टेंट एरिया है एफिशिएंट मार्केट टू विल स्पेंडिंग लिटिल मोर टाइम तो इसमें हम एक दो मॉड्यूल्स और बात करेंगे विद द लेवल्स एंड डिग्रीज इन नेक्स्ट कमिंग मॉड्यूल थैंक यू